और साक्षी जी होली का दहन भी आ रहा है उसके लिए जरूर थोड़ा सा बताइए अवश्य तो अब आपने क्या करना है नारियल लेना है नारियल जिसको नारियल जो है वो जटा वाला नहीं लेना पानी वाला नहीं लेना आपके ऊपर से तंत्र मंत्र हट जाएगा आपकी नजरें हट जाएंगी लोगों के सारी चीज सुहा हो जाती है और आज एक ऐसा वर्ड्स का स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके आया हूं जिसने बोल दिया मैं आपको बता नहीं सकता हूं लाइट की स्पीड से थोड़ा कम रह गया वो बस अच्छा जी हाँ जी दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ फन क्योंकि हमारे साथ आ चुके हैं हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर कपल्स साक्षी जी एंड संजीव जी इन्होंने इनका कॉनवल एक्सा तो मतलब ऐसा वायरल हुआ ऐसा वायरल बस्ती हुआ। में आग लगा दी आपने मतलब पूरी <laughs> किसी को नहीं छोड़ा आपने मतलब एक टाइम तो ऐसा था हर रोज कॉनवल एक्सा हर रोज आ, प्रोसो प्यारे सर वेलकम सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है जय श्री राधे खाना जी जय जय हो जय भोले और आज शिवरात्रि बिल्कुल शिवरात्रि का बड़ा पावन दिन है बड़ा पवित्र दिन है और शुभम जी ने तो आज सबको खीर भी खिलाई है अवश्य ही और अवश्य ही बड़ा अच्छा लगा देखिए आप लोग इतना जुड़े हुए हैं धर्म से मतलब देखिए आप यंग एज के लोग हैं कितनी खुशी होती है चीज़ें देख के कि आज मैं आया और आज मैंने देखा आप लोगों ने खीर बनवा रखी है और पूजन और सब चीज़ें मैं देख के मैं एकदम से हैरान रह गया मतलब इतनी छोटी एज में देखिए आप मतलब हर चीज में कितने एक्सपर्टाइज हैं मतलब आप देखिए पॉडकास्ट भी कर रहे हैं हर तरीके के पॉडकास्ट कर रहे हैं अपनी यूथ लाइफ भी जी रहे हैं और साथ साथ में क्या मतलब मतलब धन्य आप लोग सर ये ना बहुत जरूरी है कि अपने धर्म से जुड़े रहना और उससे सारी चीजें मतलब जैसे शिवरात्रि है तो ये बहुत जरूरी था करना हाँ। बहुत बढ़िया बहुत तो ये, ये हम मेंटेन रखते हैं कि चलो खुशी भी तो मिलती है सर अंदर से देखिए मैंने नहीं देखा यहाँ पे जैसे आप कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है आपको बताने वाला समझाने वाला लेकिन सर शुभम जी हमारे साथ हैं ये इतने ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं <laughs> इनसे बड़ा कोई नहीं है कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो शुभम सबसे आगे रहता है हाँ, होना चाहिए मैं पहले ही पॉडकास्ट में बोल के देख देखा था मैंने पत्रिका इनकी और मैंने कहा था ये लीड करते हैं आप सब लीड करते हैं सही बात है सर इसमें वो क्वालिटीज हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो कि हम लोग भी अडप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने जब के लिए मंगल लगन में होता है ना तो लीडरशिप क्वालिटीज होती होती है ये आई है <laughs> मंगल लगन में शुभम के है और राहू के साथ में है तो राहु को भी मंगल जो है वो कंट्रोल कर लेता है बिल्कुल ये ये हर ग्रुप में ऐसा एक होना चाहिए वैसे मैम क्यों एक टीम में होना ऐसे तो गेस्ट, 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 आते आते तो तो, गेस्ट भी आए जिन्होंने कहा कॉर्नवल एक्सा हमारा है कॉन एक्सा ऐसा कुछ ने कहा कुछने का आया तो सर पहले थोड़ी उसकी थोड़ी बात करते हैं जब वो रील इतनी ज्यादा वायरल हुई तो आप लोगों को कैसा रिस्पांस आया और पर्सनली अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने आपको टेस्टी दी ऐसे लोगों को फायदा हुआ जो आपने सोचा भी नहीं था मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप बताओ बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप तीनों की टिकड़ी को बहुत बहुत पहले तो प्रणाम है मेरे, <laughs> मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आता और मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ आप लोगों की वजह से सबके चूल्हे जलने लग गए दे। मैं देखिए साफ स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ आप लोगों की वजह से कई जो बेचारे बिल्कुल ही निराश हो गए थे एस्ट्रोलॉजर वो चमक गए और मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ हम भी आप लोगों की वजह से चमक नहीं सर हमारे वजह से कुछ नहीं हुआ हम सिर्फ एक माध्यम बने हैं और एक्सपीरियंस है पच्चीस साल हो गए आप लोगों को आप कितने यंग एज से कर रहे हो तो हम तो कुछ नहीं 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 देखिए आप चाहे हमसे एज में छोटे हैं लेकिन इन बातों को जरूर बोलना चाहिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हम बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं चीज़ें हमारे पास थी ज्ञान हमारे पास था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था जैसे ही हम आप लोगों के पास आए हम फेमस हुए हम ही नहीं मैं सच बताऊंगा आज आपको हम ही नहीं कई लोगों की आपने ज़िंदगियां सवार दी और आप लोगों के माध्यम से लोगों को आगे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आप देखिए ना कितने लोगों का घर में बैठे हुए भला हो रहा है जिसके पास पैसे नहीं है पैसे नहीं है वो कॉनवेल एक्सा कॉनवेल एक्सा कॉनवेल एक्सा प्रोसो, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे बोल के कितनी तरक्की कर रहा है देख लीजिए आप सर लेकिन कुछ लोग हैं जो वो बोल रहे हैं कि भाई यही करने से हो जाएगा क्या सब तो थोड़ा नहीं मैं चाहता हूं उनको आप कुछ बोलो थोड़ा गाइड करो देखिए गाइडेंस मैं पहले भी हमेशा से बोलता आया हूँ कर्म करने बहुत जरूरी है आप ये सोचें घर में बैठे हुए कॉनवेल एक्सा कॉर्नवेल एक्सा करेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे दैट इज नॉट पॉसिबल Yes, चीजें बनानी पड़ेंगी उसके बाद बढ़ना पड़ेगा ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं कॉर्नवेल एक्सा बोल रहे हो रहा है अब मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया साक्षी जी और मैं खड़े हुए थे आप देखिए वो जो बैटरी रिक्शा वाले और पढ़े लिखे लड़के हैं सारे पढ़े लिखे ल... अब कितनी खुशी वाली बात है कि आपके पॉडकास्ट आज रिक्शे वाला भी देख रहा है। ये खुशी वाली बात है कि कहां तक आप कहां, कहां तक पहुंच गए हैं घर घर क्या मैं कह रहा हूँ बस बस में पहुंच गया <laughs> हर किसी के पास रिक्शा रिक्शा बस बस, बस <laughs> मेट्रो मेट्रो में वहां तक जहाँ आप इस बात को मानिए ना जहाँ सलमान खान नहीं पहुंच पाए वहां आप लोग पहुंचे हो नहीं नहीं सर सलमान भाई को सलमान का नाम लिया आपने सलमान भाई तो हर जगह है कैसी बात कर दी आपने आप समझ नहीं रहे इस बात को देखिए ना आप कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए बस क्या रिक्शा क्या इससे बड़ी बात क्या और हो सकती है जीवन में मतलब कहने का मतलब कि सोशल मीडिया उसको फायदा हुआ उसको बिल्कुल अब देखिए उस रिक्शे वाले ने सवारी बिठा रखी थी सवारी बिठा रखी थी वो आगे निकल गया साक्षी जी और मैं खड़े होते पारक से घूम घूम के आते उसने हमें ट्रैक सूट में पहचान लिया उस रिक्शे वाले ने बैग गेट डाला रिक्शे में अच्छा जी वो पीछे आया सवार बैठी हुई हूँ कह रही भैया कहाँ जा रहे हो <laughs> सीन देखिए आप <laughs> देखिए आनंद देखिए उस चीज का वो रिक्शे वाला पीछे आ रहा है सवारिया कह रही कहा जा रहे हो और रिक्शे वाला रुका आप वही है ना वही वही हाँ हमने कहा हम वही है कौन हमने कहा सवारियां <laughs> देख रही है बोल के भी गया कौन वेक्सा कौन वलेक्सा देखिए कितना प्यार मिलता है और उसने बोला कि गुरु जी गुरु मां मुझे फर्क पड़ रहा है उस दिन मुझे लगा कि प्रभु कुछ हमने भला किया है कुछ अच्छा किया उसने और बहुत सारे उपाय भी इतने सारे एक लेडी मेरे पास आई जो क्या कहते हैं कि जो है ना जैसे कि वो घर पे उनकी क्लाउड किचन थी ठीक है और मैंने आपको बड़े सारे टेस्टिंग दिखाए भी हैं अभी लोगों के आपने दिखाया, 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 दिखाया कि जो मुंबई से भारतीय भारतीय हाँ, मैं मैं भारती कितना मैंने दिखाया था तो क्या कहते हैं कि भारती ने भी हमें बुलाया था तो क्या कहते हैं कि हम उनके भी पॉडकास्ट पे गए थे तो उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं कि वो जो लेडी थी वो उन्होंने क्लाउड किचन घर से चलाती थी वो तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं जब मेरे को जब मैं कॉन्वेलक्सा और प्रोसो प्यारे बोलती हूँ मेरे पास बड़े सारे ऑर्डर आ जाते हैं और जब मेरे पास सामान खत्म हो जाता है तो मैं बोलना बंद कर देती हूँ कितना अच्छा। और ऑर्डर ना आ जाए अच्छा देखिए इतने सारे और हमारे ऑफिस में आकर लोग बताते हैं और ऑफिस में बैठे होते हैं ना

और क्या कहते हैं कि आपके घर से दूर होने की जो है कसम खा लेंगे और भाग जाएंगे और शुभ ग्रह आपके घर में विराजमान हो जाएंगे दो तीन चीजें और बताई थी पारसो प्यारे हाँ, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे दुरंत देव कई लोगों ने तो अपने जो है ना कोर्ट केस भी खत्म कर लिए इन सब देव को बोल बोलकर देव को बोल बोलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दूर करी है दुरंत देव बोल के कोर्ट केस क्या लड़ाई झगड़े क्या हर प्रकार जैसे ऑफिस में कोई बॉस परेशान कर रहे हैं कुलीग परेशान कर रहे हैं दुरंत देव दुरंत देव बोलते ही सारी बॉस ने आज डांटना है दुरंत 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 देव दुरंत देव दुरंत देव बहुत, शान्त। बहुत, शान्त। बहुत बहुत शांत शांत उसका भी फीडबैक आया आपके पास बहुत बहुत है। है। अगर आप बोलोगे तो फीडबैक भी चलवा देंगे प्राइवेट पार्ट पे दही लगाओ तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी उसके बारे में बताओ उसका फीडबैक बड़ा आनंद लिया है लोगों ने एक तो पहले लगा के फिर और गर्लफ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड मिल रही है तो आनंद ही अन कुछ लोग ही कंप्लेन आ रही है कि एलर्जी भी हो रही है लोगों को दही से कौन सी एलर्जी हो जाती है आ रहे हैं मतलब कमेंट कोई बात नहीं उसकी प्रॉब्लम होगी कुछ भी है ना एलर्जी हाँ। की लोग कहते हैं दही से नहाने ना, ना, से, से सुंदरता बढ़ती, बढ़ती है वो कह हाँ। रहे हैं एलर्जी हो रही तो कुछ प्रॉब्लम होगी हो उसकी शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी उसको उसको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए है ना ये है क्योंकि अगर आप अपने फेस पे दही लगाएंगे अपने फेस पे बेसन लगाएंगे तो हल्दी लगाएंगे तो वो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी पॉजिटिविटी देड़े। बढ़ेगी ऐसे हम कहते हैं कि शुक्र के पर्वत पर आप लोग जो है थर्टी थ्री नंबर लिखें ग्रीन कलर के स्केच पेन से लेफ्ट हैंड की एक्चुअली मेरा तो ये जो है ना लेफ्ट हैंड ये है और मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है जैसे लेफ्ट हैंड है आपका ये यहाँ पर आप थर्टी नंबर लिखें ये लक्ष्मी लॉक है थर्टी नंबर लक्ष्मी लॉक लक्ष्मी लॉक लक्ष्मी लॉक मतलब लक्ष्मी का नंबर है ये थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर तो आपने बड़ा सुना होगा ये थर्टी थ्री नंबर लक्ष्मी लॉक है ये आप अपने हाथ पे लिखेंगे तो पैसा ही पैसा अट्रैक्ट होगा अच्छा और और इसका एक बहुत ही रामबाण उपाय जो आपने अपने हाथ पर जो है ना ब्यूटी अब, अब दही की बात हुई तो ब्यूटी की बात भी कर लेते हैं तो ब्यूटी अगर आपको एनहेंस करनी है तो आपने अपने हाथ पर टू टू वन पॉइंट टू थ्री हर्ड्स हर्ड्स एक बार सर आप लिख के दिखाइए हाँ लाओ संजीव जी थ्री टू थ्री, थ्री। एच जेड अच्छा ये हर्ट्ज का नया है मैम ये क्या चीज है अब ये देखिए टू टू वा, टू टू वन पॉइंट टू थ्री हर्ड्स देखिए हर्ट्ज की पावर जो होती है ना ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी है ना जैसे कि कहते हैं साउंड नोट्स होते हैं जैसे आप कोई म्यूजिक को कंपोज करते हो तो साउंड नोट्स होते हैं ना उनकी पावर कितनी बढ़ जाती है और वो म्यूजिक कितना सूदिंग लग जाता है ऐसी हर्ड्स की पावर जो है ना वो आपकी चीज़ों को नंबरिंग के साथ जब हर्ड्स लगेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे ठीक है तो आपने टू टू अगर ब्यूटी चाहिए तो टू ट्वेंटी वन पॉइंट टू थ्री हर्ड्स ये अपने आप शुक्र पर्वत पर ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए अगर आप देखो यहाँ पर आप ऑफिस ऑफिस में जा रहे हो कहेंगे कौन देख रहे हैं लोग नहीं लिख सकते तो अपने लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर लिख लीजिए सेम नंबर बट मैम फिर अगेन छुपा के छुपा के इसके लिए भी आपको कुछ कर्म तो करने ही हाँ, कर्म तो करने पड़े ना अच्छा खाना पीना रखना आपको तो आपको जो है ना एक लाइफ सपोर्टिव सपोर्ट है ये एक तरीके से है जो चीज को बढ़ाता है ये ऐसा नहीं है कि आप जिम जा नहीं रहे एज एज आप जिम जाते हैं जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तभी तो प्रोटीन असर करता है ना आप बिना जिम गए प्रोटीन खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको इफेक्ट ही नहीं आएगा उस चीज का उसी तरह से आप कर्म तो करेंगे ना अब आप कमाएंगे नहीं तो ये थर्टी थ्री लक्ष्मी लॉक कैसे काम आएगा थ्री थ्री जो साक्षी जी ने लक्ष्मी लॉक बताया है लिखने के लिए आपको शुक्र पर्वत पे वो कैसे असर करेगा आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे स्विच वर्ड्स जो हैं वो आप बोलते हैं कर्म करेंगे तभी तो काम आएंगे आप काम पे जाएंगे तभी तो वो ग्राहक आएगा पैसा देगा आप काम पे नहीं जा रहे तो ग्राहक कहाँ से आ जाएगा तो सिंपल सा लॉजिक तो सर कुछ एक और हो जाए स्विच वर्ड बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका लुई टेकलिया लुई टेकलिया जी लुई टेकलिया मनी के लिए पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा अच्छा इसमें इस ऐसा कुछ है। मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका कॉन वैक्सा पांच सौ का है तो ये हजार का है सही बताओ ये बता दिया आज मैंने अरे यार, कसम ऊपर वाले की वा। आप मैं कह रहा हूँ आनंद ना आए। तो जो पैसे नहीं भी मिले वो भी वापस और बताइए अच्छा। लुई टेकलिया लुई टेकलिया लुई ये जॉब वालों के लिए व्यापार वालों के लिए कोई भी बिजनेस कोई भी बोले आनंद आनंद परमानंद अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है प्रभु जी प्लीज जी 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 आप देखिए मेरे मालिक हम जो आपको स्विचवर्ड दे जाते हैं दुनिया कितने वर्ड बता रही है हजारों बता रही है क्यों हमारे ही चार काम करते हैं कभी आपने नोटिस किया है? यहां आता है हमारा ध्यान हमारा ज्ञान हमारी शक्तियां रोज एक घंटा मैं ध्यान लगाता हूं दूसरे आयाम तक जाता हूं उस वर्ड को लेके ध्यान में और देखता हूं उस वर्ड की कितनी फ्रिक्वेंसी है और आज एक ऐसा वर्ड्स का स्विच वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके आया हूं जिसने बोल दिया मैं आपको बता नहीं सकता हूं लाइट की स्पीड से थोड़ा कम रह गया वो बस अच्छा अच्छा बिल्कुल आप आप विश्वास नहीं करेंगे मैं ध्यान में गया मैं दूसरे आयाम तक गया सेकंड वर्ल्ड तक गया दूसरे आयाम में जाके जब बिल्कुल मतलब ये लगा लीजिए लाइट की स्पीड को क्रॉस करने ही वाला था मैं उसी समय एकदम से वो वर्ड फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच नहीं पाई नहीं तो आज मैंने लाइट की स्पीड ध्यान में तोड़ देनी थी अभी बताऊंगा अच्छा। लगाया और मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी ने पांच मिनट भी वो सुबह उठ के बोल दिया वो वर्ड्स का मैं कह रहा हूं, उसके जीवन में कोई दुखी नहीं रहेगा वो वर्ड वैसे मैं वैसे मैं पांच साल से बोल रही हूं पांच साल से अच्छा जो अभी तक ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो एक साथ चैंट करने होते हैं हाँ। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको मिलाना होता है कि कौन सी किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है अब जैसे प्रोसो प्यारे हमने आ, आपको आके बताया इतना असर क्यों कर रहा है वो सब क्यों कर रहा है इसका कोई कारण तो होना चाहिए ना हमने हजारों स्विच वर्ड में से वही क्यों चार चुने उसका क्या कारण था लोगों को समझ तो आता नहीं है लोग आते हैं दे दन, दे, दन, दे के चले जाते हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता वो वर्ड कब चले गए अब दुरंत देव लोग बोल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मजा आ रहा है गारंटी के साथ आ रहा है और बीमारी में अश्विना बोल बोल के लोग ठीक हो रहे हैं ये चमत्कार हो रहा है और ये रियलिटी हो रहा है ऐसे ही टस कस टस कस तसकस। तसकस, 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 तसकस। सफलता, गेन, पैसा, फेमस, बोलिए सबके लिए चलेगा ये मतलब सोशल मीडिया जो फेमस होना फेमस चाहता, चाहता है।, है बिल्कुल आप लोग भी बोलिए टस्कस 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 कितनी बार बोलना होता है सर ये मेरे मालिक मेरे प्रभु आपकी श्रद्धा है वैसे इक्यावन बार बोलना होता है थोड़ी देर बोल लेंगे मेहनत तो क्या बुराई है और दिन का कुछ टाइम भी होता है इस टाइम टाइम बोलो कभी भी कभी खाना भी खाना बना रहे हो तब भी बोलो ये सारे सोशल मीडिया के लिए है जैसे लोग जो लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा दूसरे का चल जाता है हाँ। अब आपका क्यों चल रहा है दूसरों का क्यों नहीं चल रहा ठीक है ना जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है क्या कहते हैं कि ब्रांड वाले हैं या फिर कोई पार्लर वाले हैं कपड़ों वाले हैं ये चीज है वो लोग बोलेंगे टस्कस, पैसा ही पैसा अंदा पैसा <laughs> लूट लो पैसा खींच <laughs> लो पैसा छीन लो पैसा सर बिल्कुल बैंक ही लुटवा है, लूट लो बैंक <laughs> फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक फ्लू रॉक मजा ना आए पैसे वापस फ्लू रॉक फ्लू रौक, फ्लू रॉक लूट लो मैं कह रहा हूँ लूट लो दुनिया आप तो अच्छा ये बन वाला जो बताया था कहते हैं कि जो की में हम को रखवा देते हैं अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा आप वास्तु को भी मिला दे तड़का हा 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 हींग डाल बताओ सर हींग डाल के अगर आपने बना दिया तो मजा ही आ जाएगा तड़के को तो आपने क्या करना है ईस्ट की साइड में इलायची का एक बॉल रख दीजिए ईस्ट की साइड में साउथ ईस्ट नीस्ट नी नहीं, वो नहीं, नहीं, तो फलान ईस्ट तो नहीं। नहीं। बेचारे जिसको पता ही नहीं डायरेक्शन के बारे में वो कंफ्यूज जा आ जाएगा है हाँ। ना जी हाँ। तो सिंपल वे में लेके जाएंगे हम इस चीज को ईस्ट की डायरेक्शन में एक बाउल मेरे मालिक इलायची के दानों का रख दो ठीक है मेरे मालिक वो उसमें से फिर एक एक दाना इलायची खाते रहो अच्छा।, अच्छा एक एक दाना इलायची खाते रहो उसमें इलायची भरते रहो और ये वर्ड भी बोलते रहो ये वर्ड भी बोलते रहो आप और काम भी करते रहो पैसा 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 का अब ये टेंशन ही नहीं है कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है इन छोटी छोटी चीजों से चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है कितने दिनों में रिजल्ट दिखेगा मैं कह रहा हूँ एक हफ्ता भी ज्यादा है अच्छा एक हफ्ता भी है। लेकिन कर्म कर्म वही बात है तो आपको करने पड़ेंगे ना कर्म तो करना कि हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा अब ऐसे ही आप नॉर्थ की डायरेक्शन जिसको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं वहां पर आपने कटोरी के अंदर खसखस रखनी है उससे आपके पास जैसे अब आपके पास काम अब आपको आपने पॉडकास्ट बना लिया अब पॉडकास्ट वाले के उस देवता पर उसकी देवता की कौन सी एनर्जी है कौन सा वो पद पे बैठा हुआ देवता वो भी बता दूं लेकिन कई भाई बहनों को पता चलेगा कई लोगों नहीं बताएगा बेचारे परेशान हो जाएंगे तो इसीलिए जो है ना हम इसलिए कहते हैं कि भाई नॉर्थ में खसखस एक कटोरी में रख लो कांच की कटोरी में अगर देवता के बारे में बताएंगे तो बताइए कौन तो से फिर रेते? देवता जो है ना नॉर्थ में बड़े सारे देवता नॉर्थ में डायरेक्शन जो होती है ना हमारी पांच होती है एक हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है एक हमारी नॉर्थ की है फिर उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की है फिर नॉर्थ वेस्ट की है फिर ऐसे क्या कहते हैं ऐसे हमारी पांच डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट भी आ गई ठीक है अब नॉर्थ ईस्ट में कई लोग कहते हैं ना कैंसिल हो जाता है तो वो एक शिखी है वहां पर ठीक है और एक दिती है तो वो अगर क्या कहते हैं कौन से वाले उस पर रखेंगे तो वहां पर जो है कैंसर होगा कौन से वाले पे नहीं होगा तो ये देवताओं की पूरी एनर्जीज होती हैं अब भल्लाट देव है सोमा देव है और वेवस्मान देव है बड़े सारे देवता है हमारे पूरी एनर्जी में पैंतालीस देवता है ना तो अब आपको वेस्ट के देवता को अगर जैसे वेस्ट में अगर आपने वेस्ट क्या है गेंस है अब गेंस में जो है डब्ल्यू फोर फाइव आपके गेंस की डायरेक्शन है तो वहां पर आप डब्ल्यू फोर डब्ल्यू फाइव में आप चॉकलेट्स रख लो एक कटोरी में अगर हमें W4, W5 नहीं पता वेस्ट में आ, हाँ, बस इसलिए संजीव जी बिल्कुल सिंपल तरीके से पब्लिक को बता दें पर चॉकलेट कैसे मेरे मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका जैसे वेस्ट की साइड होगी वेस्ट की साइड में मेरे मालिक आप ना एक बाउल में चॉकलेट रख लीजिए उसमें से खाते भी नहीं है और उसमें वो भरते भी रहिए वास्तु वास्तु की ठीक वास्तु हो हो जाएगी मीठी का मीठा हो जाएगा पर क्यों ऐसा क्या एसा? उस देवता को चॉकलेट का, तो का भोग पसंद है मीठा पसंद है नॉर्थ के देवता को खसखस का भोग पसंद है ईस्ट के देवता को जो है ना इलायची पसंद है डिमांडिंग है डिमांडिंग है पूरे देवताओं की एनर्जी है पैंपरिंग चाहिए इन्हें भी मैम लेकिन अब देखा जाए तो देवता तो कब से है चॉकलेट तो अब बनी है तो मीठा रख लो ना मीठा कोई और मिठाई भी रख सकते मिठाई ये होती है ना रखे रखे खराब भी हो सकती है हाँ वो तो मिठाई ब्राउन कलर की रखनी है आपने ना हाँ व्हाइट कलर की व्हाइट कलर की, की चॉकलेट भी होती है तो इसलिए चॉकलेट है कि सबके में मिल भी जाएगी पैक्ड होती खोली खाली खोली खाली मिठाई कितने दिन कितने दिन रख लोगे ये चीज है कभी कभार ये भी हो सकता है टॉफिस भी रख सकते हो टॉफिस भी खराब तो नहीं होगा मीठा भी हो गया भोग भी लग गया और क्या है इसमें उस डायरेक्शन की एनर्जी लेने का मतलब है आप वहाँ पे चॉकलेट भोग के तौर पे आपने रख दिया ठीक है जी आपने जब वहाँ से चॉकलेट उठा के खाएंगे आप में वो एनर्जी वास्तु क्या है एनर्जी का ही तो खेल है सारा ठीक है हमने वहाँ चॉकलेट थोड़े दिन इसलिए रखे कि उसमें वहां पे एनर्जी आ जाए आपको उस डायरेक्शन का आशीर्वाद मिल जाए आप उसको खाएंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी सिंपल सा लॉजिक है इसमें अच्छा सर ये इटालियन स्विच वर्ड्स ही क्यों हम यूज कर रहे हैं इंडियन कल्चर में भी तो इतने सारे वर्ड्स है बिल्कुल दुरंत देव दुरंत देव जो है वो इंडियन है हाँ। और श्रीम इंडियन और, है और मेरे मालिक ओम और, नमो भगवते वासुदेवा इंडियन है और और, और, और प्रभु जी अश्विना जी हमारे जो देवताओं के डॉक्टर है अश्विना हमने दो इटालियन बोले दो इंडियन बोले पर इटालियन क्यों ही बोले मैं और देखो राधे 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 इटालियन क्यों ही बोले इंडियन ही क्यों ना बोले क्योंकि वो हमें ज्यादा सूट करेगा मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका ये तो हम लोगों ने बना दिया हाँ। कि ये इटालियन ये जैसे क्या कहते हैं कि आप जब इतने लगाते हो इतने इतने आप पास्ता नहीं खाते हो मम्मी पापा जो बच्चे आजकल पिज्जा खाएंगे पिज्जा गार्लिक ब्रेड खाएंगे गार्लिक ब्रेड सही कह रहे हो पास्ता बना दो आज मम्मी पास्ता <laughs> रेड सॉस वाला सौस वाला सॉस देख 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 मांग रहा है।, <laughs> हाँ। है तो आप नहीं खिलाते हैं पिज्जा मैं सबसे पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रिय प्रिय बुजुर्गों से क्यों कहते हैं ये मैकडोनल्ड ये पिज्जा हट ये डोमिनोज ये क्यों चल रहे हैं फिर ये Hmm. ये पेप्सी कोला कहाँ से आई yeah. जो गटगट गटगट -गट -गट पी जाए लोग हैं yeah. तो भाई देखो इतना मत सोचो yeah. कहते हैं जिससे कुछ प्राप्त हो वो ले लो और जिससे नुकसान हो उसे छोड़ दो hmm. जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हैं इत्र भी लगाते हैं और वो ब्रांडेड परफ्यूम भी लगाते हैं ब्रांडेड परफ्यूम क्यों बाँगा? लगाते हैं हम फिर hmm. सही बात हम खाली इतनी इतनी तो लगाए बस फिर ब्रांडेड परफ्यूम के लगा रहे हैं हम ऐसे हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो आप है ना मत बोलो इंग्लिश फिर हम कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं ऐसे ही वो इटली के हो गए अब फ्रांस के हो गए तो वैसे वैसे, थे थे? वैसे वैसे कहते हैं बेटे को बचपन में ही कि बेटा इंग्लिश तो अब आम हो गई है तू जर्मन भी सीख ले इटालियन तो भी, भी सीख ले फ्रेंच दे घूसे दे घूसे उसको अब लैंग्वेज आप सिखा रहे हमने एक दो वर्ड क्या बता दिए लोगों <laughs> ने सही बात है क्या बात सर आ, कोक की अभी बात चल रही थी मैम आप बता रहे कोक पिला के भी आ, एक अरे वाह 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 वा।, वा, वा, वा। देखिए मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका कोक जो होती है वो क्या है गैस और गैस क्या करती है राहू को जागृत करती है अच्छा आप स्वीपर को कोक पिला चार पांच दिन अगर तुम्हें खुद गैस हो रही तो उसे पिलाओ नहीं नहीं अगर नहीं। राहु तुम पे काम धंधा बंद सडन शादी टूट जाना सडन मतलब कुछ मिसहेपनिंग हो रही हो आपकी जिंदगी में आपको समझ ना आ रहा आप स्वीपर को कोक पिला दीजिए आप देखेंगे चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा कितने दिनों तक आप एक चार पांच दिन पिला दीजिए आपको पता चल जाएगा क्या हो या ऐसे कीजिए चार दिन हमारा पिला दीजिए चार दिन पिला दीजिए एक और अगर इसमें भी आपको शर्म आती हो तो एक आयोडेक्स की डब्बी ले आइए हां आयोडेक्स की डब्बी ला के आ हा आपने हाथों पैरों और थोड़ी पेट पे लगा लीजिए रात को सोने से पहले मैं कह रहा हूं तीन चार दिन में आप सुबह उठेंगे ना कोई शरीर में दर्द नहीं हो रहा कोई सुबह उठ के ऐसा नहीं होता सर में दर्द हो रही है परेशान हो रहे घुटनों में दर्द शरीर में दर्द आलास आ रहा उठ के आप सुबह उठेंगे ताजा एकदम सर ये आलास आना राहु की वजह से बिल्कुल हम रात को घबड़ 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 और गबल। ये तो उपाय जो ना फोरन के लोग बहुत कर सकते हैं जो फॉरन में जो इसको स्वीपर नहीं मिलेगा सफाई कर्मचारी नहीं मिलेगा तो वो लोग रात को आयोडेक्स मल के सो जाए उनके वहां पर भी कोई ऐसा भाम वाम कुछ होता होगा नहीं नहीं फॉरन में भी साक्षी जी स्वीपर आते हैं उनको कोक दे दो वो पी लेंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हाँ। लेकिन ये तो घर का इलाज है अभी हाँ। राहु है। को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय और एक संजीव जी आप वो जो एक नील वाला उपाय भी बताते हो बिल्कुल वो तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है उसके इतने फीडबैक्स है हमारे पास सारी चीजों की फीडबैक है हमारे पास तो लोग जो है ना वीडियो ऑफिस में आके वीडियो बना बना के जाते हैं

डोला चेक हो रहा है रोज मैंने मैंने सोचा शादी होने वाली है तभी स्लिम वो भी है एक रीजन होने नहीं वाली हो सकती है फिक्स रिश्ते रिश्ते देख 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 रहे 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 हैं 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 तो सर सर आप कुंडली भी देखो भाई बिल्कुल अभी देखेंगे इसके बाद जरूर देखेंगे पिछली बार तो देख के गए थे बिल्कुल 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 तो बड़ी ही मतलब ये बात सुन के बड़ा ही अच्छा लगा शादी का प्रोग्राम जो है बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे मालिक हाँ हम नील की बात कर रहे थे नील हर घर में मेरे मालिक आप लोगों को मिल जाएगा लीकड वाला भी और सूखे वाला भी तो आपने क्या करना है एक मग्गा लेना है कप 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 ले लीजिए मग्गा ले लीजिए जो बाथरूम का होता है नॉर्मली मग्गा ही बोलते हैं मग्गा मग्गा कप में तो आप चाय कप तो ये हो गए जी जी मेरे मालिक बिल्कुल तो मेरे मालिक मेरे प्रभु उसमें आपने दो चार बूंदे नील की डालनी है ठीक है नील की डालने के बाद आपने लगातार लगातार्यूसली उसे टॉयलेट में फ्लश कर देना है अच्छा अपने ऊपर से वारने के बाद अपने ऊपर से वारने के बाद रोग ऋण शत्रु गायब मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का कर्जा मैंने दुनिया का हटवाया इससे अच्छा मात्र दो रुपए के उपाय से और किस तरह का रोग मतलब कैसा कैसा भी, इस... भी रोग कितनी बार वो कर रहा? में इसके पीछे लॉजिक क्या हाँ साक्षी बहुत बढ़िया हाँ, वो भी मैंने कहा जी जी बताओ लॉजिक भी क्या है बिल्कुल बिल्कुल चाची जी बिल्कुल लॉजिक क्या है नील होता है राहु और राहु जो होता है हम और जो पॉट जो होता है वो छेटा घर होता है और छेटा घर किसका होता है रोग ऋण शत्रु का और नौकरी का कुंडली का छेटा घर और पॉट भी छेटा घर है जैसे ही आप राहु को छेटे घर में डालोगे रोग ऋण शत्रु तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिनना टोट का सब गायब अच्छा नौकरी में आपको दिक्कत आ रही हो बिजनेस में आपके दिक्कत आ रही हो दुश्मन खड़े हो रहे हो सब गायब कर्जा लाखों करोड़ों का हो गया सब गायब बीमारी आपको लग गई है सब गायब साथ साथ में अश्विना 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 बीमारी गायब लेकिन ये तब है ना कि अपना इलाज भी करवाते रहो आ, 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 कभी बेड पे लेटे हो ये बोले जा रहे हो और कुछ है ही नहीं इस, मैं इसको, इसको छह दिन कर लो वैसे छह दिन सही रहता है मैं तो छह हफ्ते कर लो एक चीज बताता हूँ लोग आजकल अपने बच्चों को या खुद दवाई खाते हो अश्विना अश्विना का कहते हैं यू दवाई लग रही है तो खांसी जुकाम मैं अपने जिम में गया मैं आपको बताता हूँ मैं अपने जिम में जाता था वहां एक ट्रेनर हमारे उनको जुकाम लगा हुआ खांसी जुकाम एक हफ्ते से परेशान मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे कहने पे आज पूरा मन ही मन में अश्विना अश्विना चैंड कर लो कल सुबह तक बीच बीच में जैसे गए अगले दिन शाम को वो मिले कोच करे गुरुदेव सब गायब कुछ है नहीं आज तो। एक हफ्ते से दवाई खा रहा था कोई असर नहीं होता मौसम आजकल आपको पता ही कैसा चल रहा कह रहे चमत्कार हो गया ये क्या चीज थी मैं कहा यही चमत्कार है जिम में दो बार लड़कियां बैठती हैं दो लड़कियां सारे ध्यान देते क्या करें <laughs> <देते>, करे? <laughs> सर आप भी ध्यान देते हो

सर से डांट पड़ने वाली है तो आज बचा लो मैं कहा बोलो दुरंत देव दुरंत देव जब तक सर नहीं बुलाते उन्होंने लगा दी दुरंत देव जय दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव सर को काम पड़ गया सर गायब अच्छा जी जय श्री राधे हमें तो एयरपोर्ट पे लो एक बंदा मिला कह रहा कि मेरे तो बॉस से मेरी

ऐसे 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 हो, हो जा रही थी ऐसे 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 गई मैंने कहा वाह क्या वो बॉम्बे का ही था वो बॉम्बे का ही था वाह सर वाह भारती तो जी का पॉडकास्ट करके आ रहे थे तब मिला वो अच्छा वाह सर मैंने कहा भैया आपने तो मतलब मजा दिलवा दिया आज मैं आपको एक स्विच वर्ड्स का ऐसा एक कॉम्बिनेशन देने जा रहा हूं कि आपके पॉडकास्ट के द्वारा इतने लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा आज मेरे पास शब्द नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कभी मौका मिले इसे जरूर बोलना बिल्कुल सर क्यों नहीं बोलेंगे टूगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट टूगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट टूगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट मैं कह रहा हूं इसको आप सुबह बोलना शुरू कर दीजिए इक्यावन बार आपकी जिंदगी में वो वो चमत्कार होंगे वो वो चमत्कार होंगे आपने ऐसे चमत्कार नहीं देखे होंगे पहले मैं अजमाता हूं चीजों को मैं मैं पहले मैंने ये वर्ड्स को कलेक्ट किया फिर मैंने ध्यान लगा के इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ गया कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कहाँ तक लेके जा रहा है मुझे मैं कसम से बता रहा हूँ आपको मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ कसम से मैं लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम रह गया दूसरे आयाम तक पहुंचा मैं अच्छा जी मैं कसम से वो लाइट की स्पीड एक कहते हैं ना कोई नहीं तोड़ सकता कोई नहीं तोड़ सकता भैया इसमें इस कॉम्बिनेशन इस में इतनी स्पीड थी इतनी स्पीड थी पहली बार मतलब मैं लाइट के कहीं मतलब पास पहुंच गया मैं आपको क्या फायदा हुआ इस कॉम्बिनेशन का मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका मेरे को चमत्कारिक रूप से इतनी शांति मिली अंदर और क्लाइंटेज इतनी बढ़ गई मैं क्लाइंट को जो बोल रहा हूँ वो मान रहा है मैं जहां जा रहा हूँ लोग मुझसे इंप्रेस होने लग गए मैं जहां खड़ा हो रहा हूँ लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं मैं, मैं अपना कोई काम करो मेरे कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा हो रहा है मेरे अंदर एनर्जी इतनी जबरदस्त मैं फील कर रहा हूं आजकल कि मैं मैं कैसे आपको ये चीज यू हैव टू डू दैट ओनली नोज द शू अगर जब तक आप वो वो उसको यूज नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा उसकी पावर क्या चीज़? सही बात है मतलब इतना जबरदस्त इसमें कुछ पावर है जो मैंने फील करी है और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग भी इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं मेरा पूरा मन है इस चीज का सर ऑडियंस भी यूज करेगी और जिनको फायदा मिलेगा वो आप तक जरूर अपना फीडबैक देंगे भी और भी वो बताएंगे की हाँ। संजीव जी तो ऐसे हैं कि दिल के इतने अच्छे हैं कि वो बिल्कुल साफ साफ देते हैं जो वो खुद कर रहे हैं वो आप भी करो सीधी सी बात है ऐसा हमारे साथ नहीं है कि हम कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और करो सही बात है तो इसलिए जो हम कर रहे हैं वो भी आप करो है ना जिससे हमें फर्क पड़ रहा है उससे आपको भी फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मैम मैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ की कई बार हमने ऐसे टर्म्स सुने हैं की एक कुंडली में दो दो शनि दो दो राहू का योग बन रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि प्लैनेट्स तो एक ही एक होते हैं तो ऐसे दो दो के कॉम्बो देखिए दो दो का कॉम्बिनेशन तो है ना मैंने आपको अभी बताया था जैसे कि कहते हैं कि क्या होता है कि सूर्य और जैसे जैसे सूर्य बुध इकट्ठे हो गए अगर कुंडली में तो वो मिलकर क्या करते हैं चंद्रमा को बनाते हैं चंद्रमा हमारे नाइन प्लैनेट्स है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ किसी भाव में अगर सूर्य और बुध मिल गए तो वो चंद्रमा बना रहे हैं तो आपकी कुंडली में दो चंद्रमा का इफेक्ट है ठीक है अगर मंगल और शनि आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं तो वो राहु बना रहे हैं और राहु भी वो उच्च स्वभाव वाला ठीक है अगर शनि अगर चंद्रमा और शनि अगर किसी कुंडली में इकट्ठे मिल गए तो वो बना रहे हैं नीच का केतु ठीक है अब केतु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है सपोज कीजिए केतु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि भी है तो चंद्रमा और शनि मिलकर भी केतु बन रहे हैं और केतु भी छठे कुंडली में तो तो मतलब लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा भैया इतने इतने, इतने तुम्हारे खराब हैं तो आराम आराम से फर्क पड़ेगा ना बिल्कुल इतनी तुम्हारे ग्रहों की नेगेटिविटी हो रही है तो फिर वो धीरे धीरे करके उनको फिर ये चीजें जब उनकी नेगेटिविटी को इस प्रकार से हटाते हैं कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं उनको उपायों के तो फिर उससे उनकी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है अब जैसे क्या कहते हैं कि राहु और केतु जब कुंडली में इकट्ठे कुंडली में वैसे इकट्ठे नहीं होते क्योंकि 360 डिग्री आमने सामने रहते हैं लेकिन वर्ष कुंडली में राहु केतु इकट्ठे हो सकते हैं तो राहु केतु मिलकर बनते हैं शुक्र तो शुक्र की पावर को बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार से किसान है ना कुंडली के योग होते हैं अब गुरु और शुक्र अगर कुंडली में आपके इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो केतु स्वभाव बन गए ये है तो ये क्या होता है फिर हम कुंडली के ग्रहों को पूरा चलाते हैं उनके उपाय देते हैं तो अब राहु दो दो राहु है कुंडली में पहला राहु बैठा हुआ है और भी राहु बन गया तो वो उसको नेगेटिव कर रहा है और शनि शनि में भी नेगेटिव कर रहा है और ज्यादा अब जैसे चंद्र शनि है चंद्र शनि मिलकर बन गए वो आपका जो है ना केतु खराब हो गया कुंडली में अब क्या होता है कि अगर केतु वैसे भी खराब हो रहा है वैसे भी खराब हो रहा है तो हम उसकी क्या करेंगे उसके राहु की नेगेटिव उस राहू के उपाय से उस चीजों को बैलेंस कर देंगे अच्छा तो उसको जो केतु के प्रभाव भी मिल रहे थे वो भी भी उसके बैलेंस हो भी बैलेंस हो 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 गए गए राहु के प्रभाव कुंडली उसकी ठीक गई ना जी अब आपकी पत्रिका में बुद्धादित्य योग नहीं है तो आप क्या करोगे जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे उसे पालो कैसे आपने कुछ नहीं करना है अगर आप सिर्फ एक तांबे की गर्मी में हरी मूंग की दाल भर के रख लोगे आपका सूर्य बुध मूंग की दाल क्या हुई बुध और तांबे का लोटा सूर्य आपने बुध और उसको मिला दिया सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग मिल गया आपका है ना अब गज कैश्री योग गज कैसरी योग गज कैरी योग अरे भाई मेरी पत्रिका में नहीं है मैं क्या बोलू फिर मेरे पास हाथी गोले नहीं होंगे अरे ले आओ ना कैसे पीतल की गड़बी में आप सर गड़बी क्या होता है कटोरी गड़बी नहीं गड़बी मतलब गड़बी होती है ना जैसे लोटा अच्छा हाँ, लोटा हाँ। ऐसा ले लीजिए एक आजकल आता है जो चूड़ी वाला होता है इतना सा ले लीजिए चूड़ी वाला भी आता है पीतल का उसमें गंगा भरिए चांदी के चार चकोर टुकड़े डालिए मंगल का भी साथ ले लीजिए चंद्रमा का भी साथ ले लीजिए गंगा जल भरी है। उसे टाइट करके अपने घर में ऑफिस में रख दीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में अच्छा बन गया गज योग। अच्छा योग कितने छोटे छोटे से उपाय एक बड़ा प्यारा उपाय बताता हूँ राई होती है काली वाली काली वाली राई ये तो होली आ रही है और होली पे सभी लोग कर सकते हैं होली पे और बाकी नहीं भी होली हो तब भी कर सकते हैं होली का भी बताता हूं मैं अभी आपको आप राई ले लीजिए राई जर चुटकी भर लेनी है अपने जैसे आपका ऑफिस है यहाँ कितने लोग आते हैं कितने सेलिब्रिटी आते हैं आस पड़ोस के लोग परेशान हो जाते होंगे भाई कौन लोग हैं अभी बार बार दो लड़कों ने फोटो बस यहाँ पे मोदी जी का ही आना रह गया मोदी जी नहीं आए यहाँ पे बस अमित शाह और किसी दिन मोदी जी प्रभु से मैं आज प्रार्थना करता हूँ यहाँ पहुंचे <laughs> और आप यहीं बैठे हो और मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हो क्या <laughs> सर ये करवा दो ये करवा दो पक्का 101 मेरी जुबान से निकला चमत्कार होगा ही होगा कुछ ना कुछ सही ये। बात है संजीव जी, जी के, तो, तो के छठे भाव में राहु बारहवें भाव में केतु लगन में गुरु सप्तम भाव में चंद्रमा पंचम भाव में बुध होता है तो फकीर की आवाज होती है ऐसा इंसान किसी के लिए कुछ भी बोल देता है तो उसका बात वो पूरी होती है तो पंचम भाव में बुध है सूर्य के साथ में और लगन में गुरु है और सप्तम भाव में चंद्रमा है और बारहवें भाव में केतु यानी मोक्ष होता है ऐसे इंसान का आखिरी जन्म, जन्म आख्री। है अच्छा। तो ऐसे लोगों को जिसके बारहवें भाव में केतु होता है ना तो उनका आखिरी जन्म होता है उनको मतलब दुनिया में लास्ट में सारी चीजें जो है उनको मिलनी शुरू हो जाती है बिल्कुल और छठे भाव में राहु जो होता है ना वो उनसे जो पंगा लेता है वो खुद ही अपने आप ही बर्बाद हो जाता है तो तंत्र मंत्र जादू चढ़ता ही नहीं है ठीक है ना ये है तो ये भी ये भी भूत प्रेत का भी एक मिनट समझी आपको चारी, हाँ, चारी, हाँ चारी, जो ये जो भूत प्रेत का भी जो होता है ना ये भी कॉम्बिनेशन होते हैं हर किसी में भूत प्रेत का असर होगा या नहीं होगा जिसका बिचारे का लग्नेश लग्नेश उसका जो है लगन का लॉर्ड उसका बिचारे का छठे भाव में बैठा हो ठीक है और या लग्नेश उसका आठवें घर में बैठा हो या उसका लग्नेश बारहवें घर में बैठा हुआ हो और वो ये चीजें उसके साथ में हो साथ में लग्नेश के साथ में राहु केतु शनि बैठे हो या फिर उसने अपने घर की साउथ साउथ वेस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में साउथ साउथ वेस्ट जो होता है हमारा डिस्पोजल जो जोन होता है और ईस्ट साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा चिरपिंग जोन होता है और जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है वो हमारा डिप्रेशन जोन होता है उसमें उसने अपनी फोटोएं रख ली है जाने अनजाने में तब होगा उसके ऊपर उसने अपनी एल्बम को वही रख लिया है तो वो जो छठा आठवा बारहवा घड़ी तो हुआ आपका कुंडली का ये और वैसे डायरेक्शन देख लो तो वो चीज हो गई और आपने अपनी फोटो भी वहां घुसा रखी है तो तुरंत ये बाहर निकालिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र आप डिप्रेशन में जाओगे तो आप जाओगे, ही जाओगे। कि होली हो गया दिवाली हो गया इस दिन जो टोने, टो, टोने होते हैं तो, ब्लैक मैच होते हैं लेकिन आपकी कुंडली प्रॉमिस करेगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा या नहीं होगा हमारे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं मैडम हमारे पास तंत्र मंत्र होगा तो भैया कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र ऐसे पागल मत हो जाओ

E, e, क्रिएट होंगे फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपको ऐसा ही घर अट्रैक्ट करोगे अगर कुंडली खराब है ना तो ऐसे ही घर भी अट्रैक्ट करोगे जो वास्तु दोष वाला होगा okay. है ना फिर ऐसे लोग आपको मिलेंगे ऐसी जगहों से आप जाओगे फिर जब उसके उसके ऊपर 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 जिसके होना होना है तो होना है तो अब हो जाए तो हमने गाय की पूछ का उपाय बताया था कि गाय की पूछ का झाड़ा लगा लो भाई तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी सब गाय हमारी गाय जो है कितने देवताओं का वास होता है उसमें उसकी पूछ का झाड़ा लगाओ सारा तंत्र मंत्र गायब कितने बुजुर्ग लोग भी बताते थे गाँव वाले हाँ। गाँव वाले लोगों से पूछेगा आप ये बात कि गाय का पूछ का झाड़ा क्या होता है शहर वाले तो कहेंगे गाय हम गाएं। क्यों जाने मैं तो कई बार झाड़ लगाएगा हाँ। लोग होते थे बुजुर्ग लोग आते जाते <laughs> <laughs> चलो डरते ना लात वात ना लग जाए नहीं लात वात नहीं इतनी गाय साइड से कर लो ना हल्की सी के कर लो अब काली जो मैं राई राई आपने हाथ में लेनी है आपने क्या करना है आपने खड़े हो जाना है अपने मकान के सामने आपने हाथ में उसे रगड़ना कि भैया कोई भी जादू टोना भला है सर को भी याद, याद आ गई सर को भी याद आ गई <laughs> नहीं नहीं सर नहीं कर सर खाई भी आज आपने वो नहीं वो जो है ना सर वो लेते हैं क्या कहते हैं वो

ऑफिस के आगे खड़े हैं तो खूब क्लाइंट खूब क्लाइंट खूब पैसा खूब पैसा जादू टूना तंत्र मंत्र नज़र सारी हट जाए थू 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 ऐसे करके रगड़ना है राई को राई टूटना शुरू हो जाएगी अच्छा आप रगड़ते जाएंगे राई टूटना शुरू हो जाएगी आप देखेंगे इस चीज़ को भी आप नॉर्मली रगड़ेंगे राई को देखना कुछ होगा कि नहीं होगा वो गोल गोल घूमती रहेगी जब आप ऐसे करके करेंगे ना घर को देखते हुए अब आपका ऑफिस है आप ट्राई करना इस चीज़ को आप एक हफ्ते तक कर लेना आप देखना आपके काम काज कितना बढ़ जाएगा ऐसे करने के बाद रगड़ने के बाद सारा जो भी आपके मन में इच्छाएं हो जो भी बात हो कि भाई हमारे जैसे किसी के घर में बीमारी बहुत रहती हो भाई बीमारी ना रहे काम काज ठीक हो जाए सब बढ़िया हो जाए घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं लड़ाई झगड़े ना बंद हो जाए बहुत परेशान हो गया हूँ मैं जिंदगी से रगड़ते जाना है और वो फिर पीछे बैठ के घर के अंदर और फिर घर के अंदर फिर उसके बाद आपने फिर नमक पीछ, पीछ, नमक नमक के पानी से हाथ धोना है हाँ आके अच्छा नमक के नमक को अपने हाथ में लिया उससे ऐसे ऐसे रगड़ा फिर हाथ धो के और पीछे नहीं देखना जब पीछे नहीं देखना।, नहीं देखना वो तो आप सारी अला बला पीछे फेंका है दुख दर्द दर्दता कले सब पीछे छोड़ा है ये होली और दिवाली पे कर लोगे तो उस टाइम पीरियड पे बड़े कॉम्बिनेशन बने होते हैं ना और राई का कितने सस्ते सस्ते उपाय मैं सबको दे आता हूँ अब कई लोग कहते हैं गुरु जी एक हफ्ता तो बहुत बढ़िया रहा फिर मेरे को मजा नहीं आया उसके अरे भाई एक हफ्ता तो मजा आया पूरी जिंदगी थोड़ी ना ठीक कर दूंगा भाई अब तू तो दो रुपए की राय के चक्कर में क्या सोच रहा है तेरी जिंदगी सवर जाए नहीं सर आपके उपाय वैसे है तो बहुत ही सस्ते और ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने या अगला आदमी को लग रहा है लूट रहे हैं ऐसा सिस्टम नहीं है आपका ये बढ़िया चीज़ हम हम कह रहे हैं हमारे पास आओ हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो हमारे पास आओ हमें पत्रिका दिखाओ हमारे पास आओ हमारे से रतन खरीद लो हमारे पास आओ इक्यावन हजार दो एक लाख दो तब हम आपका तंत्र मंत्र जादू टोना उतार देंगे हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा फ़ोन नंबर ठीक कर देंगे या नाम ठीक कर देंगे हम कह रहे हैं किसी से कुछ आपने देखा है अभी तक हमें हमने कोई सामान बेचा आपके पास आके कभी छोटे छोटे उपाय वर्ड यही वास्तु के टिप्स यही तो देखे जाते हैं और क्या करते हैं हम अच्छा सर ये उपाय वैसे हर कोई कर सकता है तो फिर वो अलग बात हो जाती है यूनिकनेस से मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपके पास एक बहुत एक अलग चार्ट रखा हुआ है वो वो बहुत यूनिक लग रहा है मुझे यंत्रोलॉजी यंत्रोलॉजी इस बारे में थोड़ा बताइए इसमें भी लोगों के मजे ये यंत्र घर में मेरे मालिक घर में यंत्र घर में बनवा ले नहीं तो अपना फोटो खींच के निकलवा ले जैसे मर्जी कर मैम आप दिखाते जाओ बताते जाओ ये ये हम लोगों ने स्पेशली बनाए हैं लोगों के लिए ये देखिए स्टक मनी के लिए है ये तो ये जो यंत्र है यानी कि पैसा रुका हुआ है अटका हुआ है फंसा हुआ है तो इसको अपने पर्स में रख लो अपने घर के साउथ की दीवार पे लगा लो अपने घर के मंदिर में रख लो इसको भोजपत्र पे पर लाल रंग के कलम से लिख लो अनार की कलम से लिख लो चाहे भोजपत्र पर या इसको कुछ भी नहीं कर सकते ना no. सफेद रंग का प्लेन पेपर ले लो उस पर स्केच पेन से ड्रॉ कर लो नहीं तो इसी चीज इसकी स्क्रीन ले लो और इसको अपना लेमिनेट करा ला लो कुछ no. भी कर लो ऐसे ज्यादा जमेलों में नहीं पढ़ना ही होना चाहिए। अब उसमें क्या है नन छन जन चन धन धन छन चन जन छन जन यन छन नन जन हन ये कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन आपने बना हाँ है, ये यंत्र देखो मैंने कुछ नहीं बनाया ये यंत्रोलॉजी है हमारे पूर्वजों ने चीजें निकाली है कोई किसी ने कुछ नहीं बनाया पहले कुछ नहीं 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 बनाता। ये चीज हाँ, कर और सबको जो आपको भी आके बोलते हैं कि हमने बनाया हमने किया मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका ये सारी जो चीजें हैं हमारी ये ज्ञान है अब ये जो इटालियन वर्ड्स हैं एक इंडियन इंसान कैसे बना सकता है ऑब्वियसली वहां से सीख के आया अगर वो सीख के आया वो ज्ञान लेके आया तो उसने भी तो सीखा ना सबसे पहली बात तो ये बड़ा गंदा लगता है लोगों का बोलना कि मैंने बनाया मैंने किया नहीं भाई नहीं आपने ना बनाया ना किया आपने किसी से सीखा फिर आपसे किसी ने सीखा फिर उसने किसी से सीखा टू प्लस टू फोर अब किसी ने बनाया आगे से आगे चलता आ रहा है ना कोई बोल देगा मेरा है ये कोई और नहीं यूज करेगा इसको मैं केस कर दूंगा उस पर ऐसे हो सकता है मेरे सही बात है हाँ। मानते हैं नहीं मानते इस बात तो बनाया किसी ने भी नहीं है सब ये सब हमारे जो हमारे जो वेद वाले वे, जो हमारे अरे पीछे ऋषि मुनियों ने सब चीजें निकाल रखी है बारे। आप कोई भी यंत्रोलॉजी की बुक्स उठाएंगे हमने उन बुक्स में से उन चीजों को फिर वो जो, जो टेस्टेड चीजें थी उन चीजों को अपने क्लाइंटों को दी ये, ये आपके अंदर ज्ञान ध्यान और आपकी शिक्षा आपकी साधना कि आप कितनी ज्यादा अफेक्टिव चीज सामने लेके आते हैं और जिनका इन, इनका असर है इन इनका असर है ये टेस्टेड हैं जी। इनका असर है क्योंकि हमने बहुत सारे क्लाइंटों को दिया है उनको असर आया है उन्होंने फीडबैक्स दिए हैं

दुरंत दुरंत देव, देव बोलते हुए जितनी माताएं बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं अब ये हिंदी में देखो ये छे ये देखो सारा पूरा लिख रखा है ये आप इसके पूरा इसको क्लोज करके दिखा दो ठीक है जी अब किसी को बेचारे को कंसीव नहीं हो रहा है साक्षी जी माफी चाहूंगा अब किसी को कंसीव नहीं हो रहा है हमने ये यंत्र दे दिया आप पिक्चर लगा दोगे इसकी वो देखेंगे और इसको बना लेंगे और अपने पर्स में रख लेंगे बेचारे कईयों के तो आई भी फेल हो जाते हैं मेरे मालिक लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं हम अगर हमसे किसी के लाखों रुपए बच रहे हैं या नॉर्मल तरीके से ही दवाई से ही खाने से कंसीव हो जाता है क्या बुराई है इसमें नहीं नहीं सर बहुत और ये यंत्रोलॉजी है यंत्रोलॉजी है ये हमारे ऋषि मुनियों ने वो की है हम आपको बस अपना दिखा रहे की भाई ये इनका इफेक्ट है बिल्कुल उसके बाद मैरिड लाइफ है किसी के हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए है तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो है ना ये, ये तो ये बहुत जरूरी है आजकल ठीक है ना हैप्पी मैरिड लाइफ कितना ज्यादा लोग जो है परेशान है मैरिड लाइफ से अब मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी है हर एक चीज के लिए है अभी तो मैं आपको चार पांच दिखा रही हूँ लकी यंत्र फॉर बिजनेस अब बिजनेस के लिए अपनी जेब में नहीं डाल सकते इसको ठीक है ना जेब में रखिए घर में रखिए लॉकर में रखिए गले में रखिए नॉर्थ की डायरेक्शन में रखिए इसे अपने बिजनेस प्लेस में साउथ की डायरेक्शन में लगा दीजिए ठीक है कहीं पर भी रख लीजिए ठीक है और उसको धूप दीप करते रहिए अब जॉब में किसी के इशू चल रहा है जॉब लेनी नहीं है। है। नहीं है 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 इशू बॉस बॉस से से बन रही ये जो है, अब मैं से भी बनाने का आपको तरीका बता सकती लेकिन वो सारे जिन्हें रख लेंगे अब क्या कहते हैं कि अब कई लोगों के तो कमेंट ऐसे ऐसे भी आते हैं क्या कहते हैं कि वो जो है ना अब क्या हुआ अब एक वो क्लाइंट आए वो कहाँ से आए थे वो कहाँ से आए थे क्लाइंट जो है जर्मनी से शायद आए हुए थे हाँ तो उन्होंने बोला कि कहते हैं कि मैंने ना आपका ना ये यूज किया कि आपका कोर्ट केस था मेरा तो मैंने वहां पर चांदी का बुरादा देख करा कह रहे सामने भी चांदी का बुरादा लेके आया हुआ था फिर जिसको तुरंत दे पता होगा और जिसको वो छुआने वाला पता होगा वो ये ग्रह भी तो होते हैं ना ये सारे सिस्टम्स हैं सपोर्टिव चीजें हैं

हमने दुकान कब्ज ये क्या कहते हैं कि हमने कोर्ट केस कर रखा है आप कुंडली में आ गया जी दुकान कब्जाई हुई है बात समझ रहे हो कुंडली में हमें ग्रह पढ़ने आते हैं ना आपके आप जितना मर्जी शरीफ बन जाओ हमें ग्रह पढ़ने आ रहे हैं आपके हमें पता है कि आप क्या चीज़ हो क्या चीज़ नहीं हो कोई बेसिकली कोई निर्दोष है कोई कल्परेट अगर नहीं है तो वो ये उपाय करेगा तो जल्दी निकलेगा जल्दी निकलेगा बाहर ठीक है सबसे बड़ी तो आपकी कुंडली है जो आपको भगवान ने टाइम डेट ऑफ बर्थ देकर भेजा है ना उसके बाद न्यूमरोलॉजी उसके बाद वास्तु उसके बाद कुछ जैमोलॉजी उसके बाद कुछ चीजें हैं सबसे पहले आपकी कुंडली है कुंडली में आपके चीजें ठीक होनी लिखी हैं तो ठीक हो जाएंगी भाग्य ठीक होना लिखा है तो हो जाएगा अब क्या कहते हैं कुंडली की जो महादशा है सपोज कीजिए आपको आपको लग गई जो है राहु की महादशा लग गई जिन जिन ज़्यादातर लोगों को लग जाती है राहु की महादशा अब राहु की महादशा लग गई अब राहु की महादशा में वास्तु दोष कहाँ पर आएगा कुंडली के अंदर साउथ वेस्ट में निकलेगा अपनी अपनी कुंडलियाँ चेक कर लीजिए आपका जो वास्तु का दोष है वो साउथ वेस्ट में निकलेगा अगर आपको जो है क्या कहते हैं कि बृहस्पति की महादशा निकली लगी हुई है आप कमा नहीं पा रहे हैं तो वास्तु का दोष आपका नॉर्थ में निकलेगा मत सारा पूरा घर को चेक कर करके उसकी पूरी क्लास लगा दो अपने घर की वो नौ, वही नॉर्थ में निकलेगा ठीक है तो ये सारे इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाते हैं अब अगर घर में जो है चिक चिक का माहौल चल रहा है और क्या कहते हैं कि क्या होता है क्या कहते हैं कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आप सोचते हैं कि कैसे इसक निपटारा किया जाए कि घर में एकदम से पति आ रहा है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन जो है उसके साथ में ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट जिसको हम हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चिकचिक जोन ठीक है चिकचिक जोन यानी कि वो चर्निंग का जोन है वो मंथन का जोन है तो वहाँ पर अगर आप ई साउथ ईस्ट में एक मिक्सर ग्राइंडर की पिक्चर लगा देंगे या ओरिजिनल मिक्सर ग्राइंडर को वहां पर रख देंगे तो आपके घर के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर रख हाँ। के।

तो कॉलेज में एडमिशन तो बच्चों के लिए कुछ उपाय बताओ कुछ रेमेडीज मेरे मालिक एक ऐसा स्विचवर्ड दे जाऊंगा मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट में बच्चे कहते हैं भैया हमारे लिए भी तो कुछ हमारे लिए भी तो कुछ हमारे लिए भी तो कुछ कॉम्पिटिशन जॉब बिजनेस पढ़ाई हर चीज के लिए इतना आपके अंदर जोश आ जाएगा पढ़ने का कॉम्पिटिशन का कोई आपका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा कॉम्पिटिशन का क्लियर हो जाएगा आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसको बोलना शुरू कर दीजिए आप अगर छोटे बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं आप इसको बोलना शुरू कर दीजिए मैं कहता हूँ आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये फर्स्ट आता है मेरी क्लास में इससे आगे मैं निकल के दिखाऊंगा रेस में फर्स्ट हो जाएंगे रेस में फर्स्ट आ जाएंगे बच्चे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ जाएंगे पढ़ाई में फर्स्ट आ जाएंगे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें फर्स्ट आ जाएंगे मतलब पागल हो जाएंगे इस चीज के पीछे तो सर अगर अगर ये बच्चा नहीं बोलना चाह रहा जिद्दी बच्चा है तो माँ बाप बोल सकते हैं चलेगी, चलेगी चलेगी प्रॉक्सी प्रॉक्सी अच्छा। इसको नायक बच्चे अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहे है मेरे मालिक उनके कान के पीछे पीले पेन से तीन नंबर लिख दीजिए ये देखिए पीले पेन से लो मैं बच्चा ये माननी रहे क्या आपकी मेरे मैं 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 नहीं 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 मानना मैनी सुनो पीछे कान के पीछे जो है अगर आप केसर से लगा देंगे केसर से तीन नंबर लिख देंगे तो बहुत बढ़िया केसर से करके आप ब्रश ले लीजिए उसे तीन नंबर लिख दीजिए नहीं तो येलो कलर का स्केच पेन बिल्कुल सही है तीन नंबर और ये ले, कोई लेफ्ट ईयर राइट ईयर कोई सही अब इसमें कई लोग आएंगे क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे का लकी नंबर ये है ड्राइवर नंबर ये है कंडक्टर नंबर ये है इसको मत छोड़ो नंबर बृहस्पति का नंबर है बृहस्पति किसी के लिए भी लकी, अनलकी नहीं हो सकता और मेरे मालिक मेरे प्रभु बृहस्पति ही शिक्षा का, का हाँ। है। और कान केतु, बच्चे हो जाते नलायक, जिद्दी ड्रामा करते केतु करता है उन्हें नई नई चीजों में घुसने का शौक उल्टी सीधी चीजें करने का शौक समझ गए ना आप? <laughs> तो आपने तीन नंबर लिख लेना है कान के पीछे मैं कह रहा हूँ बच्चा शांत भी हो जाएगा पढ़ने भी लग जाएगा और यही नहीं कि बच्चे बड़े भी लिख सकते हैं पैसे के लिए काम धंधे के लिए बरकत के लिए अच्छा हाँ जी आपका बृहस्पति अच्छा हो रहा है आपका केतु अच्छा हो रहा है नोटी लो नोट और एस भी काम आएगा उसमें बिजनेस के लिए वो तो मैं कह रहा हूँ स्विच वर्ड ऐसा है मैं कह रहा हूं आप बोल के देखो आप आपके अंदर कंपटीशन की भावना इस एस है वाला फीडबैक तुमने बच्चों से भी लिया है बिल्कुल बच्चों से भी लिया है उनका मन भी लगने लग गया पढ़ने ये मैम वही चीज है तो कि जो चीज तुम बोलते हो या सोच रहे हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फंस जा रही है अब जो तुम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो तरीके से उसके लिए वही चीज है और मेरे मालिक आप बच्चों को अपने बच्चों को क्या बड़े बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं आजकल और बड़े लोग भी आप हल्दी और दूध डाल के नहाने लग जाइए बच्चों को नहलाने लग जाइए खुद नहा लीजिए मैं कह रहा हूं उसमें भी चमत्कार है हल्दी बृहस्पति दूध चंद्रमा पानी चंद्रमा हल्की हल्की हल्दी या फिर थोड़ी। हल्की हल्की हल्का सा दूध, हल्का आधा गिलास बस चमत्कार को नमस्कार देखिए आप और इजी अपने अपने पिता को दूध शहद और केसर या हल्दी ना मिले केसर डाल के पिलाइए मंगल शहद दूध चंद्रमा और हल्दी बृहस्पति और पिता सूर्य चमत्कार को नमस्कार माता पिता की सेवा भी होगी जय श्री राधे <laughs> सर वो जो हार्ट वाला आपने ये हाथ पे लिखा हुआ है ऐसे कुछ और भी चीजों के लिए हां जी जॉय के लिए खुशी के लिए हां। थ्री सिक्स जीरो आपने लिखना है हार्ट लेफ्ट हैंड में थ्री हां। सिक्स जीरो एच जेड हाँ और आजकल आपने देखा होगा डिसलेक्सिया के बच्चे बहुत सारे होते हैं डिसलेक्सिया जो स्लो स्लो में कई कहते नहीं है पीछे रह गया है स्लो है स्लो रनर है जिसको भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे के उसके राइट हैंड पे सॉरी लेफ्ट हैंड में वन पॉइंट फोर फाइव आपने लिखना है हड्स हड्स ये भी कई लोग पूछते हैं कि जो डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं जो स्लो रह गए हैं ये नहीं कि एक दिन लिखने से हो जाएगा आप एक दो हफ्ते एक महीने तक लिखिए एक हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा ये बड़ा जरूरी चीज है डिसलेक्सिया का ये भी कहीं बिल्कुल मेरे मालिक आपने बड़ा ही अच्छा सही समय पर पूछा है ये भी बड़े लोग कहते हैं मेरे जो है और बेचारे कई लोगों का तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो वो लोग ना ऐसी चैंटिंग कर सकते हैं वन 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 टू 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 थ्री डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कितनी बार ये आप एक सौ आठ बार बोल लो इक्यावन बार बोल लो कितनी आपने खाना खाया आपको खाना नहीं पचता मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के नाम आजकल नए नए आ गए है कि वो आते ही नहीं पचा रही है ये नहीं हो रहा है वो नहीं रहा है, है और उसके बाद एक और रेमेडी है अब अपने नेवल होती नेवल नेवल के ऊपर ग्रीन कलर के स्केच पेन से जैसे हम हमने आपको 58 नंबर बताया था घुटनों के लिए तो लोगों ने 58 नंबर लिखा ये ये आपने भी बताया था कि ये 58 58 मेरी मम्मी आप पे आपकी मम्मी लिख रही है देखो कितना मम्मी को मम्मी कोई शुभम की को इतना फर्क पड़ा है ना और देखो अगर आपका पेट खराब रहता है क्योंकि पेट की समस्या तो हर किसी को रहती है तो ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है अब आपने नाभी लेनी नाभी नाभी आपकी नेवल नेवल के समझ गए सर वो याद आ गया चूची उंगली ये पॉडकास्ट नहीं नए नए वर्ड्स की इजाद का वो पॉडकास्ट है ये पिटारा अब ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया आपने यहाँ पर यहाँ पर नेवल नेवल के आपने ऊपर लिखा ट ट और ट के ऊपर लगा दी बिंदी तो हो गया टन तो आपने ये जो है ना टर्न आपने नेवल के ऊपर लिखना है और साथ में 1112223 1112223 ठीक है बाकी तो देखो खाने पीने का ध्यान रखना है ना मतलब ये बताना लोगों के लिए जरूरी हो गया क्योंकि वरना लोग ना हमें ही कहते हैं कि अरे ये क्या बात है आप खाना पीना देखो ये हेल्पिंग चीजें हैं आप तीन टाइम खा रहे हैं छोले भटूरे और मांग रहे हैं सिक्स पैक एप और फिर कह रहे हैं कि के पट्टा ठीक क्यों नहीं हो रहा ठीक ही नहीं हो रहा नीचे कमेंट लिख लिख ठीक ही नहीं हो लिग, 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 ठीक ही नहीं अच्छा मैम कुछ बच्चे ना फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं बाहर जाने का भी कुछ ये हो गया कुछ होता है ऐसा कि हर बच्चे में वो होना चाहिए फिर कोई रेमेडी आप बता सके कि यार या बाहर फॉरेन जाने के लिए तो आप अपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट में ना जहां पर कौन सी कंट्री में आपको जाना है ये मैं आपको इसके दो उपाय बता देती हूँ एक तो फॉरन कंट्री में किसने जाना है तो ये जो है ना दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास अच्छा दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास ये तो चैंटिंग कर लो दूसरा अपने अपने जो है ना जो ये भी दुरंत देव से निकला हुआ ये भी वर्ड और दूसरा क्या कहते हैं अपने सारे जो आपके जितने भी वीजा है और सब सारे पेपर वेपर जो पासपोर्ट वगैरह है वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में तो वहां पर रखोगे ब्लू कलर के फाइल बना लो वहां पर सारा सामान रख दो और जिनको लोन नहीं मिल रहा ठीक है कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा विदेश जाना है लोन नहीं मिल रहा विदेश नहीं जाना वो उस बैंक से जिस बैंक में वो अप्लाई कर रहा है ना उस बैंक की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे लोन हो जाएगा उसको अच्छा जी देख लो करके अच्छा एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक ही लगा दो तो आएक... मेरे मालिक आप हैमर है ना आप थोड़े दिनों में क्या गाड़ी नहीं आती वो हैमर हैमर है अच्छा जिन जिन लोगों के ना कई लोगों के सिबिल भी खराब होते हैं सिबिल भी खराब होते हैं तो वो क्या करें जिस जिस बैंक से उनका सिबिल खराब है ना उस उस बैंक की फोटो अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा ले ठीक है उससे उसका सिबिल ठीक होने का प्रोसेस तैयार हो जाएगा कुछ नहीं होगा एक आपको वे आउट मिल जाएगा ये नहीं होगा कि वो आपका बस उसी दिन सिबिल ठीक हो गया ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होगा पैसे दिए नहीं नंबर अपने आप मैजिक हो गया ठीक हो गया ऐसा नहीं होगा अच्छा मैम एक चीज और रहती है आजकल लोगों की फैमिली में पितृदोष बहुत रहता है लोगों को उसके लिए कुछ बताओ ये होता क्या है पहले तो ये बताओ देखिये पितृदोष तो ना बड़े सारे दोषो से मिलकर बना होता है वैसे एक बात बताऊँ आपको बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं क्या कहते हैं कि पितृदोष है तो पितृदोष तो नाइनटी नाइन कुंडली परसेंट कुंडलियों में होता ही होता है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कई लोग कहते हैं काल सब दोष है काल सब दोष से भी डरने की जरूरत नहीं है वो पैंतीस साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है ठीक है और उसके बाद ना अब देखो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल दोष है वो कितनी ऊंचाई पे है? काल सब दोष भी देखना पड़ेगा कि खाता है हुआ मुंह सांप का बढ़ता हुआ मुंह है अच्छा। ठीक है ये भी होता है कि अगर आपका कि वो सांप का मुंह यानी कि राहु का मुंह किधर है वो आपकी ग्रहों को खा रहा है या आपके ग्रहों को ऊंचाई पे लेके जा रहा है ये दोनों का दो हाँ, होता, होता तो उससे पितृदोष बन जाता है वैसे कहते हैं ना कि आपने पितरों को सताया है ये किया है वो किया है अब एक और बात सुनो कई लोग कहते हैं पितृदोष के अभी क्या उपाय है ये सभी लोग कर सकते हैं ये उपाय आपने चावल उबालने सफेद चावल लेने आपने उसमें घी डालना है दो चम्मच तीन चम्मच चार चम्मच जिससे आपकी श्रद्धा हो वो उबालने के बाद आप ठंड कर लीजिए उसमें घी डाल लीजिए उसमें काले तिल थोड़े से काले तिल डाल दीजिए थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दीजिए और से थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए केले का पत्ता लीजिए और जाकर कौओं को कुत्तों को खिला दीजिए आपका दोष ठीक जिन लोगों को भूत प्रेत चीज़ें नजर आती हैं या उनके पितर उनके रा, रातों को सपनों में आते हैं ये बात भी सुन लो आप हा मैम ये, ये बात भी सुन लो हाँ ये जो है ना कई लोग कहते हैं ना हमें तो अपने पितर दिख रहे हैं हमें अपने पितर दिख रहे हैं तो वो क्या करते हैं अपने पितरों की फोटो है जैसे पूरा अपने मम्मी मर गई पिताजी चले गए स्वर्गवास हो गया तो उनकी फोटो अपने पास ले लेके घूमते हैं एक तो ये चीज हो गई दूसरे वो लोगों ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उनकी पिक्चर्स लगा रखी होती है तो वो उनको सपने में आती है क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है

सेंसिटिव हॉस्पिटल के सामने बर्फ खाना है वहाँ पर लवारिस लाशों का पूरा वो रहता है वहाँ पर सारी लवारिस लाशें आती है मेरा पिछले जन्म का पेंडिंग करना है तो मैं उसको उतारती हूँ तो मैं इतनी इतनी लाशों को मतलब आप जाके वहाँ पर लोग साक्षी ठाकुर कौन है वो बताएंगे आपको कि वो तो इतनी कफन चढ़ाती हैं मतलब आकर मैं मतलब अंदर फ्रिजों में जा जाके क्योंकि उनका कोई नहीं है ये मैसेज उन्होंने ही आपको दिया है कि ये काम करना रहा है तो क्या कहते हैं कि जो है ना ये अपना मैं पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा को भी उतारती रहती हूँ जो जो पीछे पीछे के पेंडिंग कर्मा है वो भी आपको साथ साथ में उतारने होते हैं ये भी देखो ये भी हमारे कर्म है जो हमें पिछले जन्म वाले भी उतारने हैं तो ये है तो ये पित्रदोष का तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपकी हो गई ये आप करो इससे बहुत जल्दी पितृदोष उतर जाता है और अपने घर के साउथ वेस्ट में आप लोग कहेंगे कि हमें लगानी का है फिर फोटो अगर नॉर्थ ईस्ट से हमने उतार ली तो आपको साउथ वेस्ट में लगानी है पितरों की फोटो और अगर आप ये चावल वाला नहीं कर सकते हैं तो खाना खाते हुए एक रोटी थोड़ी सी दाल सब्जी जो भी आप खा रहे हैं वो उठा के साइड पे रख दीजिए ये मेरे पितरों का नाम का है और उसे उठा के पक्षियों के लिए रखिए ये तो अक्सर करते, करते हैं ये लोग जो घर में बड़े बूढ़े करते हैं मतलब जी मैंने देखा है कि ये करते हैं लेकिन अब बच्चों ने छोड़ दिया करना ये सारी चीज़ तो इसको करने से भी बड़ा ही आराम आता है और साक्षी जी होलिका दहन भी आ रहा है उसके लिए जरूर थोड़ा सा बताइए अवश्य होली का दहन के लिए तो देखिए जी अब क्या है कि अगर आप हर किसी के अब लोग कहेंगे हमारे वहाँ पर होली नहीं जल रही है भाई चुनावों पे पहले रोही, होली जलती थी तो तंत्र मंत्र की समस्या है लोगों को कई बार जिनके होते थे तो, तो होली पे अपने उतारे कर लेते थे होली पे जैसे तो अब आपने क्या करना है नारियल लेना है नारियल जिसको नारियल जो है वो जटा वाला नहीं लेना पानी वाला नहीं लेना खोपा नारियल जिसको हम सूखा नारियल जिसको हम बोलते हैं ऊपर से काट देना है थोड़ा सा काटना है उसमें दो चम्मच घी दो चम्मच काले तिल दो चम्मच सफ़ेद तिल दो चम्मच आपने खसखस डालकर और थोड़े से दो चार ड्राई फ्रूट के दाने डालकर ऐसे थोड़ा सा वो डाल दो उसके ऊपर फिर उसको बंद करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देना है इससे आप लाखों जानवरों का लंगर लगाओगे जो पताल की शक्तियाँ हैं पताल की शक्तियाँ हैं उनको आप जो है ना जिनके वहाँ पर होली नहीं जल पा रही है ठीक है वो लोग तो पीपल के पेड़ के वहां पर जाके कर देंगे या किसी भी पेड़ के नीचे कर लेंगे क्योंकि फॉरन में पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे और जिन लोगों के पास में होली जल रही है तो वो लोग वहां पर जाकर अपने सर से एंटी एंटीग्लॉब उसको उतारेंगे और जाके उसको जा, डाल के आ जाएंगे होलिका में दहन में और जहां पर इसको और अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो एक हवन कुंड ले लो हवन कुंड में घी कपूर लकड़ी डाल लो और उसके बाद उसके बाद अपने सर से उतार कर उसमें उसको अग्नि में कर कितनी बार उतार सात बार

उसी के लिए वही है ना तो ये ये तो चलो उतार के रखा है पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है इस टाइम पे उसके ए, लिए चांदी का स्क्वायर पीस चांदी का चुको टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं वो हर इंसान को अपने पास रख लेना चाहिए चाहिए हमेशा रखना उससे उसके ऊपर उसको लाल कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं आप सिलवा सिलवा का हाँ उससे क्या होता है कि ये उससे तंत्र मंत्र होना बंद हो जाता है और नेगेटिविटी चढ़नी बंद हो जाती है लाल रंग का बाजार से चांदी का चुको टुकड़ा लाओ वन बाय वन का इंच का और उसे लाल कपड़े में सिलकर अपने पास रख लो अच्छा तो इससे आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी और मैम आप जब भी आते हो, कुछ पढ़ाई में अब अगर किसी बच्चे के ये बच्चे के मोबाइल में मोबाइल के नंबर में कॉम्बिनेशन होगा ना थ्री सिक्स और सिक्स थ्री का थ्री सिक्स और सिक्स थ्री का कॉम्बिनेशन होगा उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा अच्छा ठीक है तो मन कैसे लगवाया जाए मन जो है डिस्टर्ब होगा मन कैसे लगवाया जाए पीछे थ्री करके थ्री लिखकर एस बोलकर और क्या कहते हैं अब एक एक और चीज भी कर सकते हो एक छोटा सा छोटा सा बिल्कुल हाथी ठीक है छोटा सा हाथी जिसकी सूंड नीचे और दो ग्राम का तीन ग्राम का पांच ग्राम का बनवा लीजिए बाजार से और वो बच्चे के ना सफेद रंग के कपड़े में सिलकर बच्चे के बैग के साथ में ना उसको सिल दो अच्छा इसका तो जबर मेरा बेटा जो है ना उसको बचपन में थोड़ा सा डिस्लेक्सिया हो गया था समझ में भाई मैं बता रही हूँ अपनी बात बेटे को मेरे को डॉक्टर ने बोला भाई इसको डिसलेक्सिया वो पढ़ना नहीं था क्योंकि इसको ज़्यादा लाड़ प्यार से ना तो पढ़ना ही नहीं चाहता था तो हमने क्या करा वो हाथी उसके बैग में सिल दिया उसके बाद ना फिर डॉक्टर फिर उसके बाद थोड़े थोड़े दिन बाद उसको पढ़ने लग गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने लग गया अब वो इतना ज़्यादा है कि वो गेम्स बनाने लग गया है इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है वो गेम्स बनाता है पूरी उसको इतना ज़्यादा मतलब वो डॉक्टर मतलब टीचर कहती थी डिसलक्स का बच्चा ये कैसे हो गया इतना इंटेलिजेंट ये वो खुद हैरान हो गई तो मैंने अपने बच्चे के साथ में ये चीज़ नोट करी थी छोटा सा हाथी इतना सा बन जाता है बस बिल्कुल बरक सा तो वो जो है ना क्या कहते हैं आप उसको दस ग्राम का बनवा लीजिए बेशक पाँच ग्राम का दस ग्राम का उसको सफेद रंग के कपड़े में सिलकर उसे बच्चे के बैग के साथ में सिल दीजिए या बैग के उसके अंदर बैग में डाल दीजिए उससे उसको बहुत आराम मिलेगा क्योंकि राहु ही तो डिस्टर्ब करते ना बच्चों की एजुकेशन को और राहु का कारण क्या है हाथी ठीक है ना तो वो उसका बहुत बढ़िया उपाय है ये थी, ये थी, है क्या? और साथ में मनी उसमें आपको जो है क्या कहते हैं कि और भी बड़े सारे कॉम्बिनेशन तो हमने आपको बड़े सारे दिए थे रिलेशनशिप का भी रिलेशनशिप के लिए जो है अब आप रिलेशनशिप के लिए स्विचवर्ड बता देती हूँ आपको रोमैनियो रोस्ट रोमान्यो रोस्ट रोमैनियो रोस्टर रोस्टर रोमानियो रोस्टर रोमानियो रोस्टर रोमैनियो रॉस्टर ये रिलेशनशिप के लिए ठीक करने के लिए बाकी अपनी फोटोग्राफ्स को जो है ना पति पत्नी की फोटोग्राफ है मियाँ बीबी की फोटोग्राफ है जिसकी भी फोटोग्राफ है वो सारी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए वो अट्रैक्शन का जोन होता है अब आप भी अपनी जो मैं अपनी जितनी भी फोटोग्राफ्स है ना अट्रैक्शन के जोन पर लगाइए अभी मैंने स्टूडियो पे देखी थी सारी तो उसको नॉर्थ नॉर्थ अगर एक फोटो भी अगर आपकी ना गलत जोन में चली गई

पति घुमाने नहीं लेके जा रहा हम तो कहीं घूमने नहीं जाते हम तो ये नहीं जाते आपने जिस कंट्री में जाना है ना उस कंट्री की फ़ोटो आप ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ेगा आप ईस्ट ईस्ट और जो है ना ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो होती है हमारी फन एंड एंजॉयमेंट की अब आपने फन करना है मजे लेने अपनी लगाओ भाई फोटो वहां पर उसमें पति की भी लगानी पड़ेगी कभी वो अकेले भेज दे तू ही जा <laughs> अगर आपने पति से मन भेज लेंगे अपनी लगा लो ठीक <laughs> है नहीं तो दोनों कट्ठी लगाओ फैमिली की लगाओ ताकि <laughs> वो जो है ना फन एंजॉयमेंट करते हैं देखो पैसा समझे कमाना है लेकिन मजे भी तो साथ साते सही बात कई लोग मेरे पास आते हैं मैडम पति ने दस साल से कहीं घुमाने लगे गया पंद्रह साल हो गए यही पे घर में चूल्हा करते 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 हाँ। करते करते हम कहीं घूमने भी नहीं जाते पति के पास टाइम नहीं है लगा मैंने उसकी दो तीन बारी फोटोग्राफ्स वहाँ पर लगाई दो तीन लोगों की वो अगली बार दुबई घूमने चले गए मैं कहा आपने कौन सा लगाई थी कह रही दुबई की फोटो लगा ली थी मैंने ना दुबई का वो बुर्ज खलीफा कह रही बुर्ज खलीफा की लगाई थी पति खुद ही बोल पड़ा कि चलो चलते हैं घूमने के लिए वाह हाँ देखो ये मैंने चीजें मैनिफेस्ट होती है आपके घर के अंदर ही सब कुछ है अब हमारे पास हमारे पास लोग आते हैं हमारी वास्तु कर दो हमारी वास्तु कर दो हम कहते हैं वहां पर टाइम नहीं है जी हम कहते हैं नक्शा लेके आ जाओ यही बैठे बैठे कर देंगे हम आपके पास उधर उधर जा जाके भटक नहीं सकते कि आप कहोगे वहां आ जाओ वहाँ जाओ वहां जाओ आप अपना नक्शा लेके आओ आजकल ऑटो कैट के नक्शे बनते हैं तो हम वीडियो कॉल पर कर, वास्तु कर देते हैं अपना वहां पर बुलाकर वास्तु कर देते हैं वहीं पर बैठे बैठे सारी चीज़ें हो जाती है अच्छा सर लास्ट टाइम जैसे आपने एक रिलेशनशिप में आने के लिए एक चीज बताई थी लोगों को कि भाई ये करो इस बार भी कुछ है नया कि और जल्दी आ जाए जल्दी। बंदी बंदी और जल्दी आ जाए थोड़ा बंदी मिल जाए जल्दी <laughs> मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका पिछली बार भी बड़ी मुझे बातें <laughs> बात तो सुनी है हमने बहुत बात सुनी। मैंने बातें सुनी मजाक भी उड़ा मजाक भी मेरा बहुत उड़ा है देखिए क्या है कि अगर आप अवश्य ही और अवश्य ही क्या करें अब मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज बता दूंगा ये मैरिड अनमरिड हर किसी के लिए है ठीक है ना जी ये अंगूठे पे अपना चांदी के छल्ले पहन लो जी अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे <laughs> ये मैं पंद्रह साल से ये उपाय बताता आ रहा हूँ और इस टाइम सिक्सटी सेवनटी परसेंट लोगों ने चांदी के छल्ले पहन रखे हैं रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होती और मेंटेन मेंटेन रहता रहता है, है। सुंदरता भी बढ़ती है पैसा भी आता है गर्लफ्रेंड नहीं है पहन लो ये छल्ले अट्रैक्ट हो जाएगी अट्रैक्ट हो जाएगी इस बारी से नहीं भाई <laughs> पर वो भी ऑप्शन है कोई करना चाहे तो हाँ वो भी ऑप्शन है वो 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 बहुत अच्छा उपाय है कोई ढंग से करे तो है ना ये चीज है मैम एक चीज आप एक स्विच वर्ड और बता रहे थे लंबा वाला जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ऑफ कैमरा वो बता दो वो किस लिए है और कैसे बोलना है क्या है देखिए मैं सोच रही थी अब अगले वाले पॉडकास्ट में देंगे बोला। अच्छा, वो अच्छा वाला बचा लेते ठीक है ये भी लेकिन सर ने इस बार का एक तगड़ा तो दे ही दिया है वो बहुत लोगों को इतना मजा आने वाला है ना फिर से जितने भी हम वर्ड्स आपको देखे जा रहे हैं फिर देखिएगा आप दुनिया में तहलका होने वाला है फिर चलिए मैं आपको एक जाते जाते एक, सीजिल दे देती भी ए, ये हमारी एनर्जीज होती हैं ये भी देखिए ये आपने क्या करना है ऐसे करके ऐसे ये बनाया आपने इसके ऊपर आपने डॉट लगा दी सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे या फिर उल्टे हाथ पे या अपनी बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे वैसे लेफ्ट हैंड पे ज्यादा काम करता है ये आप बनाइए इससे आपके पास में मनी आएगी सक्सेस मिलेगा आपको पैसा आएगा आपकी हेल्थ ठीक होगी आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ये इसको बोलते है, अच्छा। मैं इसका तो कोई लेगा, लेते हैं लोग बड़े सारे होते हैं ये ठीक है ना अब मैंने जैसे आपको फॉकशार बोला था तो सब लोग फोकशार बोलने लग गए तो अभी है ये ये सिजिल है ठीक है इसको जो है ना हाथ पर बना लो इसका जो है ऐसे ना बहुत सारे होते हाँ. हैं ठीक है तो ये आप बना सकते हो इससे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी इससे आपके पास लक आएगा फॉर्चून आएगा और क्या कहते हैं कि आपके पास जो है प्रोस्पेरिटी आपकी जो है इंक्रीज होगी मैम इसने बना तो लिया है रिलेशनशिप में है नहीं लेकिन तो मेरा मेरा काम काम आएगा नोट आएंगे मेरे पास और बढ़िया चलेगा चलेगा ये चलेगा। जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी है ना जो चीज आपको चाहिए वही चीज अट्रैक्ट होगी ये चीज है लवली मैम मजा आ गया आपके साथ बात करते करते टाइम का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में और जनता भी से भी नए पॉडकास्ट में फ़िलहाल मैं बता दूँ संजीव जी और साक्षी जी से जुड़ने के लिए इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर चैनल का गोल बटन आ रहा है इनके जहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इनकी वीडियोस देखते रहें और भी जो ये उपाय अपने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब पे देते हैं आप रेगुलरली वो देख सकते हैं इनके टच में हो सकते हैं और तो भाई इस पॉडकास्ट को सिर्फ शेयर कर देना लाइक कर दो और भाई अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दो और सबसे पहली बात अच्छे कर्म करें तभी ये उपाय आपके काम और जितना जानवरों की सेवा पक्षियों की सेवा बड़े बुजुर्गों की सेवा अनाथ आश्रम में सेवा जितना आपसे हो सके करिए और मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा अंधों की सेवा और क्या कहते हैं जो बेचारे अपाहिज होते हैं उनकी सेवा करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं और कर्म अच्छे होते हैं तो कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं बिल्कुल इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं मिलते हैं नए पॉडकास्ट में जय श्री राम राधे राधे